चाहिए थी कि उन कश्मीरी पंडित को रिहैबिलिटेशन का इंतजाम करते, न के ही बनाते प्रोपेगेंडा मूवी, और ऐसी मूवी जिसमें पूरा का पूरा सच भी नहीं दिखाया गया। एक ऐसी मूवी जिसमें नफरत फैलाने की कोशिश की गई, जिसके जरिए हिंदुओं और मुस्लिमों के बीच में नफरत पैदा हो जाए, और उसकी मार्केटिंग, अफसोसनाक बात यह है कि देश का प्रधानमंत्री करेगा। ये प्रधानमंत्री है या मार्केटिंग एजेंट है? पब्लिक को बेवकूफ बना बना कर कमाया जा रहा है। जब से ये सरकार आई है, ये लोग पब्लिक को बेवकूफ बना रहे हैं और पब्लिक के पैसे को लूट रहे हैं। मान लें ये बाप का बेटा है, बाप का बेटा है, अगर कर ले ऐसी बात, एसएस और बीजेपी के वर्कर्स को इस चीज की हक नहीं है कि किसी के ऊपर भी जो है वो लोग अटैक कर दें। नमस्कार, आप देख रहे हैं द डीके न्यूज, मैं हूँ आपके साथ मुजाहिद। देश में इन दिनों द कश्मीर फाइल पिक्चर के नाम पे मुसलमानों के खिलाफ लगातार नफरत की राजनीति हो रही है, और इस बीच प्रधानमंत्री से लेकर भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता जो है इस पिक्चर को प्रमोट करने में लगे हैं, और एक तरफ एक अलग ही विवाद देश में शुरू हो गया है। और इस बीच हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है सोशल एक्टिविस्ट राफे अहमद सिद्दीकी साहब मौजूद हैं। बातचीत करें राफे, पूरे कश्मीर फाइल्स को कैसे देखते हैं? प्रोपेगेंडा के तौर पे देखते हैं। अफसोसनाक बात यह है जी कि नफरत की राजनीति पूरे देश पे चल रही है 2014 से खास करके। वैसे तो 2002 में ये दौर शुरू हुआ था जी, गोधरा के दौर से, मगर जिस तरह से इन लोगों ने अपने सत्ता बचाने के लिए, अपनी सीट बचाने के लिए, अपनी गद्दी बचाने के लिए नफरत की राजनीति का जो चलन चलाया है पूरे हिंदुस्तान में, अफसोसनाक बात यह है कि कुछ दिन पहले हिजाब का मसला आया था जी, और स्कूल के कॉलेज के बच्चों के बीच में नफरत फैलाने की कोशिश की गई हिजाब मसले को लेकर, और उसी तरह ये कश्मीर फाइल्स को लाकर नफरत का एक प्रोपेगेंडा जो है करने की कोशिश की गई है लोगों के बीच में, हिंदू और मुस्लिमों के बीच में, जो हिंदुस्तान की सबसे बड़ी ताकत है कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब एक साथ रहते हैं, मिलकर रहते हैं, एकता पे अनेकता पे एकता है हमारे देश की अखंडता, और जो एकजुट होकर साथ रहते हैं, जो हमारे पुरखों ने जो सपना देखा था इस हिंदुस्तान को बनाने में, जो मेहनत थी हमारे बुजुर्गों की, चाहे वो हिंदू थे, चाहे मुस्लिम थे, चाहे वो सिख थे, चाहे ईसाई थे, सबों की मेहनत थी, और सबों ने मेहनत करके इस हिंदुस्तान को एक सेकुलर इंडिया बनाया था, ये सोचकर कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब एक साथ रहेंगे, सब परिवार, सब जो है एक परिवार की तरह रहेंगे, पांच उंगली मिलकर एक मुट्ठी बनेगी, मगर इस पांच एक मुट्ठी को तोड़ने की कोशिश की जा रही है, इन पांच उंगलियों को अलग करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि ये लोग अंग्रेजों की औलाद हैं। अंग्रेज जिस तरह से हिंदू और मुस्लिम के बीच में डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी चलाने की कोशिश की थी, इसी तरह ये लोग भी 2002 से लेकर आज तक डिवाइड एंड रूल करने की कोशिश कर रहे हैं, हम लोगों को आपस में इख्तलाफ पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, हिंदुओं और मुस्लिमों के बीच में नफरत और डर की राजनीति पैदा करके, आपस में इख्तलाफ पैदा करके अपनी गद्दी बचाने की कोशिश कर रहे हैं। तो कश्मीर फाइल्स क्या है? कश्मीर में जो कुछ हुआ था, हम सब उसके लिए बहुत जो है अफसोसनाक फील करते हैं। बहुत गलत हुआ था कश्मीरी पंडितों के साथ। अभी करना क्या चाहिए? एक गवर्नमेंट की जिम्मेदारी क्या होनी चाहिए? अगर मैं आज गवर्नमेंट में होता तो मेरी जिम्मेदारी क्या होनी चाहिए थी कि उन कश्मीरी पंडित को रिहैबिलिटेशन का इंतजाम करते, न के हम एक मूवी बनाते प्रोपेगेंडा मूवी, और ऐसी मूवी जिसमें पूरा का पूरा सच भी नहीं दिखाया गया। एक ऐसी मूवी सिर्फ एक तरफा सच दिखाया गया। एक ऐसी मूवी जिसमें नफरत फैलाने की कोशिश की गई, जिसके जरिए हिंदुओं और मुस्लिमों के बीच में नफरत पैदा हो जाए, यह कोशिश की जा रही है कश्मीर फाइल्स के जरिए। और यह कोशिश नहीं की जा रही है कि कश्मीरी पंडित को वापस रिहैबिलिटेट कैसे किया जाए, वापस कश्मीर में वापस कैसे लेके जाया जाए। आपने तो 370 को हटा दिया, आपने तो कश्मीर में कहा कि हम जो है 370 हटा के बहुत बड़ी काबिलियत हासिल कर लेंगे, टूरिज्म खत्म कर देंगे, तो बहुत कुछ कर देंगे। क्या किया, क्या पाया? आज ये नौबत आ गई कि कश्मीर फाइल्स फिल्म बनाना पड़ रहा है, और उसकी मार्केटिंग, अफसोसनाक बात यह है कि देश का प्रधानमंत्री करेगा। ये प्रधानमंत्री है या मार्केटिंग एजेंट है?
ये प्रधानमंत्री है देश को बचा, देश को चलाने वाला, या फिर एक फिल्म का मार्केटिंग एजेंट है, फिल्म को प्रोपेगेंडा वाली फिल्म को मार्केटिंग करने के लिए उसने एजेंसी खोल रखी है। पूरे बीजेपी को लगा दिया दिल्ली में अलग अलग जगहों में जो है पोस्टर लगाने के लिए, पूरे बीजेपी की टीम पोस्टर्स लगा रही है सब जगह। बहुत अफसोसनाक बात है। तो ये फिल्म 10 साल से ये लोग राज कर रहे हैं हिंदुस्तान में, 10 साल में इनके पास चूंकि आज की तारीख में हिंदुस्तान की जनता को दिखाने के लिए इनके पास रिपोर्ट कार्ड नहीं है। 2014 में जब ये आए थे इन्होंने कहा था कि हम पेट्रोल का दाम कम कर देंगे, हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार हो गया कि पेट्रोल 110 रुपये प्रति लीटर चला गया, डीजल 100 रुपये टच करने वाला है। जिस तरह से ये पिक्चर आई और उसके बाद इसकी मार्केटिंग पूरे भारतवर्ष में 200 करोड़ से भी ज़्यादा हुई, और उसके बाद अभी जो है सिंगापुर और यूएई में भी ये पास हो गया। अगर यहाँ के हिंदुस्तान के मुसलमान, कई मुसलमान को संगठन जो है विरोध कर रहे हैं इस पिक्चर का, तो अगर ऐसा है तो फिर जो है यूएई ने कैसे पास कर दिया, एक बड़ा सवाल जो है वो निकल के आता है। देखिए आपने अभी कहा कि कई 100 करोड़ रुपए का जो है इसमें मार्केटिंग हुआ, कई 100 करोड़ के फायदे हुए, अरे इतना ही मोहब्बत कश्मीरी पंडितों से है जी, तो क्यों नहीं विवेक अग्निहोत्री साहब अपने इस फिल्म के फायदे जैसे जो है रिहैबिलिटेशन के लिए वो फायदे को जो है वो कह दे कि हम जो है वो पैसा पूरा जो है दे देंगे कश्मीरी पंडित के रिहैबिलिटेशन के लिए, दे दे, मान लेंगे बाप का बेटा है, बाप का बेटा है अगर कर ले ऐसी बात तो। पब्लिक को बेवकूफ बना बना कर कमाया जा रहा है, जब से ये सरकार आई है ये लोग पब्लिक को बेवकूफ बना रहे हैं और पब्लिक के पैसे को लूट रहे हैं, और जो लोग लूट रहे हैं उनको ग्रीन चैनल के जरिए बाहर भेज दिया जाता है। अभी रिसेंटली आपने सुना होगा कि गुजरात में बहुत बड़ा कांड हुआ, हिंदुस्तान के इतिहास में सबसे बड़ा कांड हुआ कि कई 1000 करोड़ रुपए का धांधली किया एक साहब ने, अग्रवाल साहब ने। इससे पहले नीरव मोदी, विजय माल्या, मेहुल चौकसी, ऐसे बहुत सारे लोग हिंदुस्तान के गरीब जनता मजदूर जो लोग हैं इनके खून पैसे, खून पसीने के पैसे को जो है इन लोगों ने लूट लिया है और लूट के चले गए। आज विवेक अग्निहोत्री भी यही चीज करने के लिए आया है, वो हिंदुस्तान की हिंदू जो खास करके कम्युनिटी है उस कम्युनिटी को एक प्रोपेगेंडिस्ट मूवी दिखाकर, एक प्रोपेगेंडा मूवी दिखाकर, और ये दिखाकर कि देखो कितना गलत हुआ है हमारे साथ, कितना ये कुछ हुआ। अगर यही बात है तो चलो आओ गुजरात फाइल्स चालू करते हैं, यही बात है तो चलो मुजफ्फरपुर फाइल्स चालू करते हैं। ऐसे बहुत सारे फाइल्स खुल जाएंगे जनाब, खोलना चाहेंगे तो, मगर ये देश एकता और अखंडता और मोहब्बत और प्यार पे बिलीव करता है। ये देश चल रहा है तो एकता, अखंडता, प्यार और मोहब्बत से चल रहा है। ये देश चल रहा है तो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई के एकता पर चल रहा है, एकता, एक साथ रहने पर, एकजुट होने पर चल रहा है, एक मुट्ठी बनकर चल रहा है। इस मुट्ठी को तोड़ देने की कोशिश की जा रही है, इस मुट्ठी की पांचों उंगली को अलग अलग करने की कोशिश की जा रही है, और यह चीज हम होने नहीं देंगे, हम होने नहीं देंगे। और आप बहुत जल्द देखेंगे कि बहुत जल्द इसका असर आपको नजर आएगा बैलेट में, वोटिंग में, बहुत जल्द आप देखने पाएंगे। इस मूवी में अनुपम खेर भी मौजूद है। अनुपम खेर वही व्यक्ति हैं जो NRCCA में मुसलमानों के विरोध में बातें कर रहे थे, तरह तरह की बातें कर रहे थे। तो क्या लगता है कि इस मूवी को लाने का एजेंडा क्या है, 24 की तैयारी आपको भी लगता है कि प्रधानमंत्री कर रहे हैं इस मूवी के जरिए? देखिए अनुपम खेर हो, चाहे कंगना रनौत हो, चाहे अक्षय कुमार हो, चाहे परेश रावल हो, ये लोग वो लोग हैं जो अपॉर्चुनिस्ट हैं। एक्चुअली आप अपॉर्चुनिस्ट समझते हैं ना जी। इनको राज्यसभा में जाना है जी। और राज्यसभा में जाने के लिए आज की तारीख में सबसे बेहतर तरीका यह है कि मुसलमानों के खिलाफ बोलो, नफरत की राजनीति को बीज जो है उसको बो, TRP थोड़ा सा ले लो, न्यूज़ चैनल्स में आ जाओ, कुछ TRP अपना क्रिएट कर लो, और उसके बाद फिर आपको राज्यसभा की सीट जो है वो गिफ्ट के तौर पर मिल जाएगा। कंगना रनौत भी यही कोशिश बहुत दिन से कर रही है। अक्षय कुमार साहब ने तो पूरा प्लेट लेकर आम की जो है वो चले गए थे। परेश रावल भी हाथ पार किए हुए हैं, अरब आए हैं जी श्री अनुपम खेर साहब। असल में इनके पास
इंडस्ट्री में दाल गल नहीं रही है, फिल्म इंडस्ट्री में इनकी दाल गल नहीं रही है, तो बर्दाश्त नहीं हो रहा है। और अब ये सोच रहे हैं कि कुछ नया ट्राई करें, तो डाइवर्सिफिकेशन की तरफ जाने की कोशिश में लगे हुए। तो डाइवर्सिफिकेशन के लिए इन लोगों ने ये सोचा कि क्यों ना चाटुकारों की किया जाए। तो ये सब अब चाटुकार बन गए हैं, सब चाट रहे हैं, चाटुकार समझते हैं ना आप, ये चाटुकार लोग हैं, चाटना शुरू किया इन लोगों ने। अब चाट चाट कर सोच रहे हैं कि शायद कुछ मिल जाए, राज्यसभा भीख में मिल जाए, तो उस चक्कर में लगे हुए हैं कि भीख में जो आ जाएगा झोली फैलाए बैठे हैं, चाट रहे हैं, चाटते चाटते मिल जाएगा। तो इस पिक्चर के आने के बाद नसीरुद्दीन शाह ने भी कहा कि हम गुजरात फाइल्स बनाएंगे, तो कैसे देखते हैं? देखिए, नसीरुद्दीन शाह साहब ने एक्टिंग किया था परजानिया बोल के एक मूवी में, परजानिया में भी गुजरात का ही पूरा स्टोरी दिखाया गया था, मगर उस फिल्म को बैन कर दिया गया था। देखिए, वो फिल्म को बैन कर दिया गया था इसी वजह से क्योंकि उस फिल्म में जो सच्चाई दिखाई गई थी गुजरात के बारे में, तो शायद उसका असर बहुत बुरा हो सकता था। बिल्कुल ठीक है, तो वो अच्छी बात है कि उसको रोक दिया गया और लोगों के बीच में जो है उसको ओपनली नहीं लाया गया। तो क्यों नहीं आप फिर आज कश्मीर फाइल्स को बैन कर रहे हैं, क्या इसका असर वो नहीं हो सकता? असर हो रहा है, हम तो देख रहे हैं, कई फिल्म हॉल्स में चिल्ला चिल्ली हुआ है, झमेला हुआ है, मारपीट हुई है, तोड़फाड़ हुई है, जय श्री राम के नारे लगाए। जय श्री राम का नारा का नाम आपने लिया, बताइए लोग जय श्री राम जो है एक दूसरे को बोलते थे, एक दूसरे को ग्रीट करते थे, जैसे हम लोग अस्सलाम वालेकुम बोलते हैं उसी तरह लोग जो है जय श्री राम बोल के एक दूसरे को ग्रीट करते थे, कितना प्यारा लगता था, प्रेम वाला लगता था। मगर इसको इस गवर्नमेंट ने आके डर भय और नफरत वाला नारा बना दिया कि जब अब कोई जय श्री राम बोलता है तो लोग डर जाते हैं, कुछ होगा तो नहीं अभी, आप समझ रहे हैं? अब पहले क्या होता था, मैं जब छोटा था हमारे इलाके में, हमारे मेरे बिल्डिंग में ही मुंडा पंजाबी फैमिली रहती थी, वो लोग एक दूसरे से जब मिलते थे तो आपस में जय सिया राम इस तरह से बोल के या इस तरह से बात करते थे आपस में, तो वो ऐसा होता था कि ग्रीट करना एक दूसरे को, तो मोहब्बत वाला प्यार वाला वो ग्रीट होता था। तो वो ग्रीटिंग का तो तरीका जो इनको इन्होंने चेंज कर दिया, और चेंज करके इस तरह से कर दिया जय सिया राम, जैसे कि लग रहा है कि एकदम कुछ होने वाला है, कुछ डर नफरत लोगों के अंदर भय पैदा कर देना। क्या कर रहे हैं ये लोग, क्या कोशिश है भाई? हिंदुस्तान को टुकड़े में फिर बांटने की कोशिश कर रहे हैं क्या? आपका एजेंडा क्या है? लोगों को राहत पहुंचाना या तकलीफ देना, राहत की नींद देनी या तकलीफ का सांस देना? तो जिस तरह से इसमें टैक्स फ्री की बात की जा रही है और चारों तरफ बहुत सारे बीजेपी प्रदेश स्टेट में जो इसका टैक्स भी फ्री हुआ इस पिक्चर का, तो क्या लगता है कि एक तरफ सरकार जो है कश्मीर फाइल्स को टैक्स फ्री करने में लगी हुई है और दूसरे तरफ पेट्रोल डीजल में और भी टैक्स बढ़ा रही है, कैसे देखते हैं? बहुत अच्छी बात केजरीवाल साहब ने इस बारे में कहा है, टैक्स फ्री टैक्स फ्री टैक्स फ्री करने वाले भैया यूट्यूब में डाल दो, फ्री हो जाएगा, ऐसे ही सब देख लेंगे, पूरा हिंदुस्तान देख लेगा फ्री में ही, टैक्स फ्री करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। उनका तो नतीजा उनको मिल गया ना, भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने घर पे हमला किया, एक संविधानिक पद पे मुख्यमंत्री के ऊपर अगर हमला हो जाता है भाजपा का विरोध करने पर, तो आप सोच सकते हैं क्या हो सकता है। ये डेमोक्रेसी का हत्या है जी, हिंदुस्तान एक डेमोक्रेटिक स्टेट है और एक डेमोक्रेटिक स्टेट में यहाँ पे मुख्यमंत्री पे इसलिए हमला होता है क्योंकि उसने एक ऐसी बात कह दी है जो बात उन लोगों को पसंद नहीं आया। तो अगर आपको बात पसंद नहीं आता है तो आप हमला करा दे रहे हैं, तो इसका मतलब ये डेमोक्रेसी पे हमला है, डेमोक्रेसी आज खतरे में है हिंदुस्तान की, यानी कि हिंदुस्तान की संविधान खतरे में है आज। क्या वो आम लोग आपको लगता है या फिर बीजेपी आरएसएस के कैडर बेस जो लोग हैं वो है? नहीं नहीं, ये बीजेपी बेशक बीजेपी आरएसएस के कैडर बेस है और ये बीजेपी आरएसएस कैडर बेस यही चीज़ सीख कर आए हैं लोग, इन लोगों को ट्रेनिंग इसी चीज़ की दी जाती है कि जहाँ कोई तो तुम्हारे खिलाफ बात करे तो उसको दाबो, और दाबने के लिए जो कुछ भी तुम्हें हथकंडा इस्तेमाल करना पड़े वो हथकंडा इस्तेमाल कर लो। तो इसीलिए इन लोगों ने केजरीवाल साहब के घर पे हमला कर दिया। मैं इस बात की कड़ी निंदा करता हूं कि एक सीएम के घर पे हमला किया गया, और सिर्फ सीएम ही क्यों, एक आम आदमी पे भी अगर हमला किया जाता है इस बात के लिए कि वो किसी चीज के खिलाफ बोल रहा है, दिस इज डेमोक्रेसी साहब, और डेमोक्रेसी में हर इंसान को हक है, राइट टू स्पीच हमारे पास है, राइट टू एक्सप्रेस आर फीलिंग्स हमारे पास है, हम अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस कर रहे हैं, आपको तकलीफ है तो उसको आपको सहना हो।
हमने कोई लॉ ब्रेक नहीं किया, केजरीवाल साहब ने कोई लॉ ब्रेक नहीं किया था, और अगर लॉ ब्रेक करते भी हैं तो उसके लिए हिंदुस्तान का आईन है, लॉ है, ज्यूरिसडिक्शन है, पुलिस है, वो लोग एक्शन लेंगे। आम नागरिक को इस चीज की हक नहीं है। आरएसएस और बीजेपी के एजेंट्स, आरएसएस और बीजेपी के वर्कर्स को इस चीज की हक नहीं है कि किसी के ऊपर भी जो है वो लोग अटैक कर दें। इस देश में जो कुछ भी आज हो रहा है बहुत गलत हो रहा है और देश को बर्बाद करने की कोशिश की जा रही है। मुझे ये लोग देश को मोहब्बत करने वाले तो नजर नहीं आते, बल्कि मुझे तो ये लगता है कि शायद ये लोग इस एजेंडा से आए हैं कि शायद इस देश को दोबारा टुकड़ों टुकड़ों में बांटने की कोशिश की जा रही है। दोस्तों, अब दुनिया के किसी भी कोने से करवा सकते हैं अपना काम, तो कॉल कीजिए, आपको कहीं भी आने और जाने की जरूरत नहीं है। घर बैठे ही आपकी समस्याओं का होगा समाधान। मनचाहा वशीकरण, मनचाहा प्यार, मनचाही शादी करना चाहते हैं? प्यार में धोखा खाए प्रेमी और प्रेमिका एक बार हमसे संपर्क जरूर करें, क्योंकि हमारा वादा है हम आपको निराश नहीं होने देंगे। हर समस्या का है समाधान। सभी जगह से निराश व हताश लोग एक बार जरूर संपर्क करें। हम आपसे वादा करते हैं कि आपकी सारी समस्याओं के समाधान मिलेंगे, आप अपना प्यार वापस पाएं। तो कॉल लगाएं हमारे नंबर पर, ऑल प्रॉब्लम सॉल्यूशन, वन कॉल कैन चेंज योर लाइफ। समस्या कैसी भी हो, जड़ से समाधान। अपने प्यार को पाना चाहते हो, किया कराया सौतन से छुटकारा, एक्स लव प्रॉब्लम, डिजायर लव प्रॉब्लम, तो कॉन्टेक्ट करें।